मैंने मर्द की बेबसी को तब महसूस किया जब वो बिस्तरे मरक पर अपनी बीमारी से लड़ रहा था और उसे खुद से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसका जमा किया हुआ सरमाया उसकी अपनी बीमारी पे खर्च ना हो जाए और उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। मैंने मर्द के तहफ्फुज को तब महसूस किया जब वो सड़क क्रॉस करते हुए अपने बच्चों को पीछे करता और खुद ट्रैफिक के आगे रहता। मैंने मर्द की कुर्बानी को तब महसूस किया जब शॉपिंग करते हुए उसकी फैमिली ने शॉपिंग बैग उठाए अपने बाप से कहा, अब्बा जी आप भी कुछ अपने लिए ले लें, एक कुर्ता खरीदा है, एक सैंडल भी ले लें। तो उसने कहा, अब 2-3 साल पहले तो ये ली थी, अभी तो ये ठीक ठाक है, आप ले लें, कोई चीज रह तो नहीं गई। मैंने मर्द के जब्त को तब महसूस किया जब उसकी बेटी घर उजड़ने के बाद उसके पास आई और उसके गले से लगकर कहा, बेटी अब तेरा बाप जिंदा है, लेकिन उसकी सुरख आंखों के डोरे बता रहे थे कि वो मर चुका है, वो मर चुका है। नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम।